आज का फर्स्ट वर्ड है बहू यानी वधू। इसे इंग्लिश में कहते हैं डॉटर इन लॉ। डॉटर इन लॉ मीन्स बहू। नेक्स्ट है सास। सास को इंग्लिश में कहते हैं मदर इन लॉ। मदर इन लॉ मीन्स सास। नेक्स्ट है दामाद। दामाद को इंग्लिश में कहते हैं सन इन लॉ। सन इन लॉ मीन्स दामाद। नेक्स्ट है घर जमाई। घर जमाई को इंग्लिश में कहते हैं रेसिडेंट सन इन लॉ। रेसिडेंट सन इन लॉ मीन्स घर जमाई। नेक्स्ट है ससुर। ससुर को इंग्लिश में कहते हैं फादर इन लॉ। फादर इन लॉ मीन्स ससुर। नेक्स्ट है साला, जेठ या देवर। इस तीनों को हम इंग्लिश में कहते हैं ब्रदर इन लॉ। ब्रदर इन लॉ मीन्स साला, जेठ या देवर। ठीक है। नेक्स्ट है जीजा, बहनों या नंदोई। इसे इंग्लिश में कहते हैं ब्रदर इन लॉ। ब्रदर इन लॉ मीन्स जीजा, बहनों या नंदोई। नेक्स्ट वर्ड है ननद या साली। ननद या साली को इंग्लिश में कहते हैं सिस्टर इन लॉ। सिस्टर इन लॉ मीन्स ननद या साली। नेक्स्ट वर्ड है भाभी। भाभी को इंग्लिश में कहते हैं सिस्टर इन लॉ। सिस्टर इन लॉ मीन्स भाभी। नेक्स्ट है समधी। जो बेटे का ससुर होता है उसे हम फादर ऑफ अ सन इन लॉ कहते हैं, और जो बेटी का ससुर होता है उसे फादर ऑफ अ डॉटर इन लॉ कहते हैं। नेक्स्ट है समधन। समधन को इंग्लिश में कहते हैं मदर ऑफ अ सन इन लॉ। अगर बेटी का सास हो तो उसे कहते हैं मदर ऑफ अ डॉटर इन लॉ। नेक्स्ट है पोता या नाती। पोता या नाती को इंग्लिश में कहते हैं ग्रैंड सन। ग्रैंड सन मीन्स पोता या नाती। नेक्स्ट है पोती या नातिन। पोती या नातिन को इंग्लिश में कहते हैं ग्रैंड डॉटर। ग्रैंड डॉटर मीन्स पोती या नातिन। नेक्स्ट है दादाजी। दादाजी को इंग्लिश में कहते हैं पैटर्नल ग्रैंड फादर। पैटर्नल ग्रैंड फादर मीन्स दादाजी। नेक्स्ट है दादी जी। दादी जी को इंग्लिश में कहते हैं पैटर्नल ग्रैंड मदर। नेक्स्ट है नानी जी। नानी जी को इंग्लिश में कहते हैं मैटर्नल ग्रैंड मदर। जैसे दादाजी, चाचा जी, जो भी है उसको पैटर्नल कहेंगे, और नानी के तरफ के लोगों को मैटर्नल कहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है परदादा। परदादा को इंग्लिश में कहेंगे पैटर्नल ग्रेट ग्रैंड मदर। पैटर्नल ग्रेट ग्रैंड मदर मीन्स परदादा। नेक्स्ट है परदादी। परदादी को इंग्लिश में कहेंगे पैटर्नल ग्रेट ग्रैंड मदर। पैटर्नल ग्रेट ग्रैंड मदर मीन्स परदादी। नेक्स्ट है परनाना। परनाना को इंग्लिश में कहेंगे मैटर्नल ग्रेट ग्रैंड फादर। मैटर्नल ग्रेट ग्रैंड फादर मीन्स परनाना। नेक्स्ट है परनानी। परनानी को इंग्लिश में कहेंगे मैटर्नल ग्रेट ग्रैंड मदर। मैटर्नल ग्रेट ग्रैंड मदर मीन्स परनानी। नेक्स्ट है चाचा, ताऊ या फूफा। चाचा या ताऊ या फूफा को इंग्लिश में कहते हैं पैटर्नल अंकल। पैटर्नल अंकल मीन्स चाचा, ताऊ या फूफा। नेक्स्ट है चाची या ताई या बुआ। इसे इंग्लिश में कहते हैं पैटर्नल आंटी। पैटर्नल आंटी मीन्स चाची, ताई या बुआ। नेक्स्ट है मामा या मौसा। मामा या मौसा को इंग्लिश में कहेंगे मैटर्नल अंकल। मैटर्नल अंकल मीन्स मामा या मौसा। नेक्स्ट है मामी या मौसी। मामी या मौसी को इंग्लिश में कहेंगे मैटर्नल आंटी। मैटर्नल आंटी मीन्स मामी या मौसी। नेक्स्ट है भतीजा या भांजा। भतीजा या भांजा को इंग्लिश में कहेंगे नेफ्यू। नेफ्यू मीन्स भतीजा या भांजा। नेक्स्ट है भतीजी या भांजी। भतीजी या भांजी को इंग्लिश में कहेंगे नीस। नीस मीन्स भतीजी या भांजी। नेक्स्ट है चचेरा, ममेरा या फुफेरा या खलेरा, भाई या बहन हो। ठीक है। उसे हम इंग्लिश में कहते हैं कज़न। कज़न के साथ ब्रदर नहीं लगा सकते। ठीक है, वो रॉन्ग हो जाएगा। सिर्फ कज़न कह सकते। ठीक है। नेक्स्ट है सगा भाई। सगा भाई को इंग्लिश में कहते हैं फुल ब्रदर। नेक्स्ट है सगी बहन। सगी बहन को इंग्लिश में कहते हैं फुल सिस्टर। ठीक है। नेक्स्ट है सौतेला। सौतेला को इंग्लिश में कहते हैं स्टेप। स्टेप मीन्स सौतेला। नेक्स्ट है सौतेली माँ। सौतेली माँ को इंग्लिश में कहते हैं स्टेप मदर। स्टेप मदर मीन्स सौतेली माँ। नेक्स्ट है सौतेला बाप। सौतेला बाप को इंग्लिश में कहते हैं स्टेप फादर। स्टेप फादर मीन्स सौतेला बाप। नेक्स्ट है सौतेला भाई। सौतेला भाई को इंग्लिश में कहते हैं स्टेप ब्रदर। स्टेप ब्रदर मीन्स सौतेला भाई। नेक्स्ट है सौतेली बहन। सौतेली बहन को इंग्लिश में कहते हैं स्टेप सिस्टर। स्टेप सिस्टर मीन्स सौतेली बहन। नेक्स्ट है सौतन। सौतन को इंग्लिश में कहते हैं को वाइफ। को वाइफ मीन्स सौतन। नेक्स्ट है पूर्वज। पूर्वज को इंग्लिश में कहते हैं एनसिस्टर। एनसिस्टर मीन्स पूर्वज।
तो फ्रेंड्स आज का क्विज है भाभी और पूर्वज को इंग्लिश में क्या कहते हैं। इस क्विज का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि रोज आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉच।